नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। आज हम मौजूद हैं सिरसा के सर्कुलर रोड पर कोचर स्टील के सामने। हम देसी रेड मारने जा रहे हैं। जो व्यापारी दुखी हैं, जो कणक की टंकी, आटे की टंकी और जो कूलर व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो 3 महीने कमाई करते हैं, उसके बाद में पूरे साल अपने घर का खर्च निकालते हैं। उनके व्यापार बंद हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनके काम धंधे बंद हैं। हम देसी रेड मारेंगे, कोचर स्टील के अंदर जाते हैं। आइए हम देखते हैं अभी क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या सिस्टम है। राम राम जी। ये आप देख सकते हैं कोचर स्टील के अंदर, ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ पर आप लाइव देख सकते हैं, जिसमें ये जो किसान भाइयों के लिए जो कणक की टंकी है और जो आटे की टंकी है और साथ में कूलर है, इनका ये व्यापार शुरू हो चुका है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी है, क्योंकि 3 महीने ये काम चलता है और उसके बाद में पूरे साल इनके घर का खर्च चलता है। आइए हम जानते हैं कि इनका क्या परिस्थिति है और क्या बीत रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेश कोचर, कोचर स्टील से जी, सिरसा से। तो अब क्या परिस्थिति है जी, आप सरकार और प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहोगे? आपका काम कैसा चल रहा है, क्या परिस्थिति है, इस टाइम कैसा काम होना चाहिए आपका? जैसा जी कोरोना महामारी पूरे विश्व में है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं। हमारी सरकार से यही बेनती है कि हमारा जो कुल्लू का काम है या कनक के ड्रम वाला काम है, वो हमारा इसी महीने 2-3 महीने काम होता है साल के अंदर, सीजनली काम है। तो उनसे यही बेनती है, जैसा कि उन्होंने लघु उद्योग चलवाए हैं, वैसे ही हमारे कूलर का दुकानें खुलवाएँ। और कूलर का जो उद्योग है हमारे सारे बंद पड़े हैं, 3 महीने की मार्जिन के अंदर पूरा साल हमें उसमें ही गुजारा करना पड़ता है। हम सरकार से बेनती करते हैं, जैसे कि हमें गाइडलाइन देंगे, जैसे कहेंगे उसी हिसाब से हम कार्य करने को तैयार हैं। हमारे 5-10 वर्कर भी हैं और साल के अंदर सिर्फ 3 महीने काम होता है जी। गर्मी गर्मी का गर्मी बहुत है और हमारा कूलर का और पंखा का काम है और ड्रम कणक वाले उसका काम है, गेहूँ का सीजन है। तो हमारी सरकार से बेनती है हमारे काम खुलवाए जाएँ, यही प्रार्थना करते हैं। जैसे सरकार कहेगी वैसे ही काम करेंगे, जो गाइडलाइन देगी, जो हिदायतें देंगी, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ये जैसे अब लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ ना होता तो आज क्या पोजीशन होती? जैसे कणक की टंकियाँ वगैरह, ये कितना काम चलता होता? ऐसा है जी, इसमें 3 महीने के अंदर जो है हमें पूरा साल की मार्जिन हमें निकल जाता है। इस 3 महीने के अंदर जो है कूलर का काम और गेहूँ की जो कटाई हो रही है, गेहूँ रखने के लिए हम ड्रम बनाते हैं। होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। हमारे 25-30-40 ड्रम डेली बिकते हैं इन दिनों के अंदर। लेकिन सरकार के साथ हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम अंदर घरों में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं जी हम। ये आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर, जो एक व्यापारी है उनका दुख दर्द सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 3 महीने हमारा काम होता है, उसके बाद में हम पूरे साल हमारा जो जीवन व्यतीत हमें करना पड़ता है, घर का खर्चा चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हमें वहन करने पड़ते हैं। तो सरकार से इनकी एक ही विनती अनुरोध है कि वो इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है वो पूरी करें, इनका जो दुकानें हैं वो खुलवाई जाए, क्योंकि जो 3 महीने जो सीज़न होता है उसके बाद में ही ये पूरे साल जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोचर स्टील के अंदर हम आए हैं, ये अंदर ये सीज़न है इनका, जैसे ये संदूक वगैरह। अब जैसे गांव के हमारे जो नागरिक हैं, जो गांव के हैं, जो कणक वगैरह डालते हैं, जैसे कणक का सीज़न है, कणक वगैरह डालते हैं, तो ये नई टंकियां हैं, ये देख सकते हैं आप, ये टंकियां बनी पड़ी है जिसमें कणक डाली जाती है। ये टंकियां ज्यों की बनी हुई ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, क्योंकि इनके पास जो लॉकडाउन लगा हुआ उसके चलते काम धंधे बिल्कुल ठप हैं। तो इनकी सरकार से एक ही विनती है कि हम आपके जो नियम हैं उनका पालन करेंगे, लॉकडाउन के जो सोशल डिस्टेंस के रूल का पालन करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द हमारे जो दुकान है वो खुलवाने का प्रयास करें। तो सिरसा की आवाज़ के साथ आप यूं ही बने रहें, 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।